किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। नमस्कार, महासंग्राम 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव किया गया है और हजारों की संख्या में पहुंचे मुन्नालाल गोयर समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड द्वारा महल गेट पर प्रवेश करने से रोकने पर विवाद हो गया। सुरक्षा गार्ड और समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। महल के मुख्य दरवाजे के सामने जमीन पर बैठ गए हैं और धरना शुरू कर दिया गया है। तमाम समर्थकों की तरफ से नाराजगी है, गुस्सा है। ग्वालियर में विरोध की आग आप देखिए किस तरह भड़की है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल का घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में मुन्नालाल गोयल के समर्थक पहुंच गए हैं। सुरक्षा गार्ड द्वारा महल गेट पर प्रवेश करने से रोकने पर विवाद हुआ और फिर सुरक्षा गार्ड और समर्थक आपस में ही यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आए। हालांकि जो महल का मुख्य दरवाजा है उसके सामने जमीन पर ही अब बैठकर धरना शुरू कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो महल का मुख्य गेट है, यहाँ पर अब धरने पर बैठ गए हैं मुन्नालाल गोयल के समर्थक। उनका प्रदर्शन है, उनका गुस्सा, उनके नाराजगी सामने आ रही है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके नेता को तवज्जो नहीं दिया गया। हमारा विरोध कोई नहीं है, हमारा तो केवल एक मांग है। हमारी मांग है, विरोध नहीं है किसी से। हमारी मांग ये है और मैं न्याय न मांगने आए महाराज साहब एकदम, तो कि भाई हमारी ग्वालियर पूर्व की सीट तभी निकल पाएगी जब मुन्ना भैया यहाँ से टिकट मिलता है उनको। क्योंकि मुन्ना भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सुबह से लेकर रात तक जनता के बीच में रहे और जनता के लिए उन्होंने कार्य किया, और ऐसे व्यक्ति को यदि टिकट नहीं मिल रहा है तो ये सीट संभव नहीं है निकल जाए। और यदि संभव नहीं निकलेगी ये सीट तो हमारी सरकार कैसी बनेगी? हमारी आखिर कहा सरकार बनने की एक सीट की ले जाते हैं, अभी नहीं हो पाई है। महाराष्ट्र साहब निकलने वाले हैं और महाराष्ट्र भाई यही गुहार है, हमें विश्वास है महाराज साहब पे कि ये सीट जरूर चल जाएगी। और उनका ये कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी बस एक मांग है, उसको पूरा कर दी जाए। ग्वालियर पूर्व सीट को लेकर उनकी ये मांग हो रही है। वासु चौरे मेरे सहयोगी साथ जुड़ेंगे। वासु, बात करें अगर समर्थकों की मुन्नालाल के, तो उनका कहना है ये हमारा विरोध मत समझिए, ये हमारी मांग समझिए, और ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल को टिकट देने की मांग ये कर रहे हैं। फिलहाल कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ने अपने रूठों को और जिनके टिकट काटे हैं उनको समझा बुझा लिया, लेकिन तस्वीरें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। बिल्कुल अंशिका, देखिए जब से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपने टिकट वितरण पूरे किए हैं मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, जैसे जैसे तस्वीर साफ हुई है वैसे वैसे विरोध की जो स्वर है वो और भी ज्यादा उभरते हुए नजर आए, और खासतौर पर जो अंतिम जो सूचियां सामने आई हैं उसके बाद तो जो विरोध है और भी ज्यादा मुखर हो गया है। चाहे भाजपा कार्यालयों की बात करें, कांग्रेस कार्यालय की बात करें, या फिर नेताओं के जो बंगले हैं वहां पर भी जो कार्यकर्ता हैं और जो समर्थक हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के पास तीन तीन चार चार दावेदार थे और दोनों दलों ने कहा था कि स्थानीय फीडबैक के आधार पर और सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिला और जो असंतुष्ट दावेदार हैं अब वो मुखर हो गए और अपनी बात रखने के लिए लगातार नेताओं को से भी संपर्क कर रहे हैं और अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने जिस तरीके से वहां विरोध किया वो तस्वीरें हमने देखी कुछ देर पहले। भोपाल स्थित कांग्रेस कार्यालय में जो गोविंदपुरा से दावेदारी कर रही थी दीप्ति सिंह, उनके समर्थक जो है वो बड़ी संख्या में पहुंचे और हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस के नेताओं की सद्बुद्धि की बात उन्होंने की कि एक महिला जब बीजेपी ने वहां पर उम्मीदवार उतारी है तो उनके सामने भी कोई एक महिला उम्मीदवार ही वहां होनी चाहिए, और अगर टिकट नहीं बदला जाता है तो हम लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है वो आने वाले समय में भी इसी तरह से जारी रहने वाला है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही है, और चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, न सिर्फ भोपाल ग्वालियर बल्कि अन्य जो शहर है वहां पर भी कुछ इसी तरीके का सूरत हाल है। तो बड़ा चैलेंज कांग्रेस बीजेपी दोनों के सामने यही है कि कैसे इस पूरे विरोध को टैकल करेंगे ताकि चुनावों में पार्टी को किसी तरीके का नुकसान ना उठाना पड़े, और इसके लिए जो कांग्रेस और बीजेपी की जो मुख्य लीडरशिप है वो लगातार काम कर रही है और रणनीति बनाई जा रही है। जी शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए।
तो वहीं भोपाल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में टिकट वितरण को लेकर लगातार नाराजगी बढ़ती जा रही है। निवाड़ी से दावेदारी कर रही जिला पंचायत रोशनी यादव भोपाल पहुंची है। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ टिकट बदलने की मांग हो रही है, इसको लेकर पहुंची है। प्रदेश प्रभारी सुरजेवाला से वो मुलाकात करेंगी। शनिवार को कमलनाथ के निवास और पीसीसी में जमकर हंगामा हुआ था। तो लगातार कांग्रेस में भी विरोध की आग, नाराजगी सामने आ रही है। कई चेहरों की तरफ से आपत्ति जाहिर की जा रही है। और इस बीच आपको बता दें कि टिकट वितरण को लेकर जिस तरीके से नेताओं में गुस्सा है, आक्रोश है, इसको लेकर रणदीप सुरजेवाला से बहुत जल्द मुलाकात करने रोशनी यादव पहुंच सकती हैं। निवाड़ी से दावेदारी कर रही हैं जिला पंचायत रोशनी यादव भोपाल पहुंच चुकी हैं और वो बहुत जल्द रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात कर सकती हैं। तो रोशनी यादव भोपाल पहुंच चुकी हैं, टिकट बदलने की मांग को लेकर वो भोपाल पहुंची हैं और यहां पर उनके मुलाकात करने की बात भी सामने आ रही है, जहां रणदीप सुरजेवाला से वो मुलाकात कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, कमलनाथ के निवास और पीसीसी में जमकर हंगामा भी हुआ था। तो नरसिंहपुर में भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनावी प्रचार में जुटे हैं। आम गांव में एक नुक्कड़ सभा में उन्होंने कहा कि दानवों से लड़ने के लिए महादानव नहीं बना जाता बल्कि शक्ति बना जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण के कई बड़े काम हुए हैं। काफी समय से आप सब देख कर यहाँ माताएं बहने बंधु इंतजार कर रहे तो कुल मिलाकर प्रहलाद पटेल को आप सुनते हुए नजर आए, जहां उन्होंने कहा कि दानवों का जवाब महादानव बनकर नहीं दिया जाता बल्कि शक्ति से इसका सामना करना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण के कई बड़े काम की बात भी की है। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है, जहां फैक्ट्री पर डकैतों ने धावा बोल दिया और 7 से 8 नकाबपोश डकैतों ने गार्ड को बंधक बनाया है। डकैतों ने फैक्ट्री में फायरिंग की है, फायरिंग के बाद गार्ड से मारपीट की गई है और कई सालों से ये फैक्ट्री बंद पड़ी थी। क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच गई है। और इतना ही नहीं, चंदन नगर थाना पुलिस भी जांच में जुटी है। इस फैक्ट्री पर डकैतों द्वारा डाका देने के पीछे की वजह को खंगाला जाएगा अब, क्योंकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कई सालों से ये फैक्ट्री हालांकि बंद पड़ी है और फैक्ट्री पर डकैतों ने धावा बोल दिया। 7 से 8 नकाबपोश डकैतों ने गार्ड को पहले बंधक बनाया, फिर डकैतों ने फैक्ट्री में फायरिंग की। बंद पड़ी फैक्ट्री में डकैत क्या करने आए थे, ये सबसे बड़ा सवाल। फायरिंग के बाद गार्ड से मारपीट भी की। कई सालों से फार्मा कंपनी की ये फैक्ट्री बंद पड़ी है और यहाँ पर डकैत पहुँचे थे। इनकी मंशा क्या थी और इनके संबंध किन से है, इस बारे में भी जानने की कोशिश हुई। 21 और 22 की रात में थाना चंदन नगर के ग्राम कलारिया में प्लेटिको फार्मा करके एक फैक्ट्री है, वहाँ के गार्ड ने जो है वो थाने पर सूचना दी कि जो है कुछ बदमाश जो है वो आ गए हैं और वो यहाँ पे पथराव और फायरिंग वगैरह कर रहे हैं। जिस पर से सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस टीम जो है यहाँ प्लेटिको फार्मा पहुँच गई थी और यहाँ पे सर्च वगैरह किया गया है और किसी प्रकार के अभी आरोपी मिले नहीं हैं। जो गार्ड और जो यहाँ के बाकी स्टाफ के लोग हैं उनके मुताबिक जो है रात में 7-8 आदमी आए थे और उन लोगों ने
यहाँ पे आने के बाद से इन लोगों को जो है संभवतः चोरी करना उनका उद्देश्य रहा होगा, क्योंकि कोई सामान तो गया नहीं है, क्योंकि ये लोग जग गए थे और जगने के बाद से फिर उनका आपस में पथराव भी हुआ है और फायरिंग की भी बात। तो डकैतों ने क्योंकि डाका डाला है, इस पर मिथिलेश हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मिथिलेश, बात अगर करें फार्मा फैक्ट्री की, तो पहली बात तो कई समय से ये बंद है, बावजूद इसके डकैत यहाँ क्या करने आए थे, और अब पुलिस क्योंकि इस पूरे मामले में जांच करेगी तो और भी ज्यादा तस्वीरें खुलकर सामने आएंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर डकैत क्या कर रहे थे, क्योंकि पिछले 7 सालों से ये जो फैक्ट्री है, फार्मा फैक्ट्री जिसका नाम फ्लेथिको है, ये बंद पड़ी हुई, तो आखिर यहाँ पर डकैत क्यों घुसे थे। और इसी क्लू पर अब जो इंदौर पुलिस को जांच कर रही है, इंदौर पुलिस को जो अभी तक साक्ष्य सामने आए हैं वो नेटवर्क राजस्थान का निकला है। राजस्थान के नेटवर्क पर पुलिस काम कर रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही कलारिया ही क्षेत्र के जो आउटर कॉलोनी है, आउटर कॉलोनी में एक के बाद एक कई घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया था इन बदमाशों ने। तो कहीं ना कहीं से जो वो बदमाश थे, उन बदमाशों से ही ये लिंक जोड़कर पुलिस जांच कर रही है। उस वक्त भी जो तस्वीर सामने आई थी, जो सीसीटीवी फुटेज आए थे, उस गैंग का जो लिंक है वो राजस्थान का निकल के आया था सामने। तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उसी नेटवर्क को खंगालने का प्रयास कर रही है। आसपास की जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो राजस्थान और गुजरात की तरफ जो गाड़ियां जाती हैं, जो बॉर्डर है, जो टोल है, तमाम जगह सीसीटीवी को भी खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस का मानना है कि ये यहां की जो बदमाशों की गैंग नहीं है, ये जो गैंग है ये अंतर्राष्ट्रीय गैंग है, अलग अलग राज्यों में जाती है, इस प्रकार की जो लूट की घटना है, डकैती की घटना, उसे अंजाम देती है। और कहीं ना कहीं से क्योंकि ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है और बहुत लंबे समय से बंद पड़ा हुआ है, और अचानक से बंद फैक्ट्री के अंदर 7-8 नकाबपोश अंदर घुसते हैं, पथराव कर देते हैं, गोल फायरिंग करते हैं, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को बंधक बना लेते हैं, फिर अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है फैक्ट्री बंद है। तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि बंद फैक्ट्री में नकाबपोश घुसे हैं, यानी ये नकाबपोश। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के जवाब अभी निकलने बाकी हैं, सामने आना बाकी है। मिथिलेश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां नरेंद्र सिंह तोमर का बड़ा बयान आ गया है, केंद्रीय चुनाव समिति के संयोजक का बड़ा बयान आया, नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। सभी अच्छे प्रत्याशी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि थोड़ी बहुत मत भिन्नता रहती है, सारी स्थितियां नियंत्रण में भी है, यानी कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। ये नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, सभी कार्यकर्ता काम करेंगे, बीजेपी सरकार बनाएगी। नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्हें दीमनी से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है, उन्होंने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में है, यानी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। उन्होंने क्या कहा आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी की दो को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी है। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं, थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। नरसिंहपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्लास्ट होने के बाद सड़क पर ही टैंकर पलट गया। मुंगवानी थाने के NH44 पर खापा बॉर्डर पर हादसा हुआ है। सिवनी से दतिया जा रहा था सोयाबीन तेल का टैंकर, लोग कुप्पे कुप्पियां लेकर तेल को लूटने पहुंच गए। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां लोग ग्रामीण जो है वो यहाँ मौके पर पहुंच गए, तेल लूटने लगे। टैंकर पलटने के बाद तेल की लूट मची, सोयाबीन के तेल से टैंकर भरा था। तो ये देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से जो ग्रामीण हैं वो पहुंच गए यहां पर कंटेनर लेकर, और अलग अलग गांव से लोग यहां पर पहुंचे थे सोयाबीन का तेल लूटने के लिए। जैसे ही नेशनल हाईवे 44 पर टैंकर पलटा, तेल की लूट मच गई। मंदसौर में कार चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया, दुर्घटना में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यशोधम नगर थाने के पास
तेज रफ्तार कार ने बाइक पर सवार दो लोगों को टक्कर मारी और 20 से 25 फीट तक उन्हें घसीट दिया। लोगों की माने तो कार में दो लड़कियां और दो लड़के सवार थे और सबने शराब पी रखी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में अभी कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन दो लोगों की जान चली गई। तेज रफ्तार का कहर मंदसौर में देखने को मिला और आप देखिए कार भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त है, लेकिन बाइक की तो हालत ही खराब है। बल्कि बाइक पर दो लोग सवार थे, दोनों की ही मौत हो गई। रफ्तार कार ने दो युवकों की जान ले ली और दोनों एक शॉपिंग मॉल में काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं और वहां से अपने घर लौट रहे थे, तभी अंधाधुंध आ रही एक कार ने उन्हें जबरदस्त टक्कर मार दी, उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में, ये गाड़ी देख सकते हैं कि DL6CM4201 और इस गाड़ी में दो लड़के थे और दो लड़कियां थी। ऐसा बताया जा रहा है कि लड़कियां ये गाड़ी चला रही थी और इस गाड़ी में आप देख सकते हैं, आपको दिखाना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। शराब तो इस गाड़ी में दिख नहीं रही है, लेकिन शराब के साथ जो खाने पाने वाली जो चीज़ें हैं वो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें देखी जा रही है। और दुर्घटना करने के बाद में दोनों युवक और युवतियाँ मौके से फरार हो गए और गाड़ी भी उन्होंने कहीं दूर जाकर के छिपा दी थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से आखिरकार कार पकड़ में आ गई है और पुलिस उन आरोपियों की भी अब तलाश कर रही है कि जिन्होंने ये द्रुत गति से कार चलाते हुए दो युवकों को रौंद दिया और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस उन आरोपियों की भी तलाश कर रही है, उन लड़कियों की भी तलाश कर रही है, लेकिन मामला शराब पीकर तेज गति से गाड़ी चलाने का सामने आ रहा है। पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और पूरी जाँच पड़ताल की जाएगी कि आखिर ये लड़के और लड़कियाँ कहाँ से आ रहे थे और आधी रात को लगभग 12 बजे कौन लड़कियां थी और लड़के कौन थे, ये गाड़ी किसकी है। इन सब मामलों पर पुलिस अब जांच में लग गई है और पता लगाया जाएगा कि जो दर्दनाक काम करने वाले मजदूर जिन्हें कहा जा सकता है उनकी मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, उनके पीछे जो ये कारण सामने आ रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला मामला, पुलिस पूरी इस मामले की जाँच करेगी। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18 मंदसौर। इस बीच एक बड़ी खबर ग्वालियर से आ रही है। आपको बता दें कि मुन्नालाल गोयल के समर्थकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सिंधिया की गाड़ी के आगे मुन्ना समर्थक लेट गए हैं और सिंधिया ने समर्थकों को समझाने की भी कोशिश की है। इनकी लगातार मांग है। पुलिस सुरक्षा के बाद सिंधिया की गाड़ी को रवाना किया गया, लेकिन माया सिंह का टिकट मिलने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि माया सिंह को टिकट क्यों दिया गया। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने प्रदर्शन किया है और इससे पहले उन्होंने बंगले में भी, बंगले के पास पहुंचकर लगातार प्रदर्शन और किया था, धरने पर भी बैठ गए थे। इनका कहना है कि मुन्नालाल को टिकट देना चाहिए था, लेकिन मुन्नालाल गोयल का टिकट काटकर माया सिंह को दे दिया गया, जिससे कि ये लोग गुस्से में है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो समर्थक है मुन्नालाल के, वो गाड़ी के सामने लेट गए थे और हंगामा कर रहे थे, लेकिन किसी तरह समझाया गया इन्हें। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप देख रहे हैं जो यहाँ पर उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको समझाया गया है, समर्थकों को समझाया बुझाया गया और उसके बाद जाकर गाड़ी को रवाना किया गया। गाड़ी के सामने ही मुन्ना समर्थक लेट गए। मुन्नालाल गोयल के समर्थकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी घेर ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के आगे तमाम जो ये समर्थक हैं वो लेट गए गाड़ी से उतरकर। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनसे बातचीत की, इन्हें बहुत समझाया, तब जाकर गाड़ी को रवाना किया गया। यहां रुकेंगे।